हिल जिसमें है बुद्धा टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल तिब्बती। Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Limitless. So, आज है day 3 and we are reporting from Missouri. Just look at the view, my God. A very good morning to everyone. The weather is very chill right now. And let's see a bit of Missouri from the eye of the drone. यहाँ पे खाना हमें मॉर्निंग में बहुत पहले ही कॉल आ चुका था, बट यस वी वेर लेट, सो दैट्स व्हाई के वी हैव चिकन सॉसेजेस हियर, वेरी हेल्दी फूड्स। ओह माय गॉड, गुड गुड गुड। पोहा, देन वी हैव ओके पूरी एंड पराठा, we have chole, okay that was bhatura, then okay breakfast is going on and madam what will you do? mummy ne to khana kha liya, abhi pata nahi aur kya khayegi, aur kya bata tor mujhe घर पे घर बना हुआ है। ओह वाओ, सुबह हम उठे तो बहुत पहले थे, बट ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते निकलते हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 12। अभी हम निकलने वाले हैं मसूरी साइट सीन पे, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट्स सी, लेट्स रीच देयर एंड फिर इवनिंग में हमारा मैल का प्लान है। चलो, गाड़ी निकालना कितना मुश्किल है, यहाँ से देख के लगेगा नहीं मुश्किल है, बट मुश्किल यहाँ से है, सिर्फ इतना सा जगह है, यहाँ से निकलना और घुसाना रियली इट्स अ वेरी बिग टास्क। अभिषेक हमने जगह दी हेटे बेरी इसलिए मुखन दी जाबो, अरे बाबा नीच दी बेरी जाबे तो तले शिट, ओह माय गॉड। फिर से हमें गाड़ी घुमाना है क्योंकि ये जाएगा ऊपर, कल जिस रूट से हम गए नहीं थे उस रूट से गाड़ी जाएगा। दिस रोड इज वेरी नैरो, माय गॉड। दिस रोड इज वे टू नैरो दैट ओनली दिस कार कैन अकोमोडेट ऑन दिस रोड एंड आई नो हाउ नैरो इट इज, यू कैन ओनली understand if you are coming to this location. एक साथ तीन से ज़्यादा, oh my god, we are stuck. shit, अब मसूरी की गलियों से होके बाहर तो निकल गए, तो अभी आज की जो डेस्टिनेशन है वो है दलाई हिल्स की बुद्धिस्ट टेम्पल, तो चलिए चलते हैं मसूरी मैल से होके यहाँ की भीड़ धकेलते हुए सीधा हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। देख सकते हैं ये हसीन वादियाँ और साथ में इतना रंगीन भीड़ और इस भीड़ को पास करती हुई ये कैटल, वैसे कैटल का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, सो ये भीड़ को हम क्रॉस करके मैल की एग्जिट पॉइंट से निकल के हम लोग सीधा पहुंच गए हैं दलाई हिल पहुंचने वाली नैरो रोड्स पे। हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया,
जो कि है अपनी कार से यहाँ पे पहुंचने का, क्योंकि बेटर है इफ यू टेक अ टैक्सी एंड विजिट दिस प्लेस बिकॉज दिस रोड्स आर वेरी नैरो। पहाड़ में पार्किंग इज सो डिफिकल्ट यार। अभिषेक की गाड़ी के लिए, मतलब हमारी गाड़ी के लिए पूरा ट्रैफिक लग गया है। पहाड़ में ये हालत होता है। हाँ, यहाँ पे भी नहीं रख सकते कार, बट निकल तो जाएगा गाड़ी एटलीस्ट कम से कम। लकीली हम लोगों को एक पार्किंग मिल गया जहाँ पे मैंने 200 रुपए 2 घंटे के लिए पार्किंग चार्जेस देके यहाँ पे पार्क कर दिया। मम्मी चल रही है आगे आगे। पार्किंग एरिया से बस 250 मीटर्स वॉक करके जाना पड़ेगा आगे टेंपल तक। बलाई हिल, जिसमें है बुद्धा टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल, तिब्बतीयन बुद्धिस्ट टेंपल। इस एरिया पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम था जिसकी वजह से ठंड तो लग ही रहा था। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी हम लोग जिस टेम्पल पे एंटर करने वाले हैं, इसका नाम है शेदुप शोयफिलिंग टेम्पल। ये लैंडमार्क शोकेस करता है तिब्बतन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी को। 14th दलाई लामा के नाम से ये एरिया का नामकरण हुआ था, दलाई हिल्स। एंड इसके अलावा इस वैली को बोला जाता है द हैप्पी वैली ऑफ मसूरी। टेम्पल के अंदर कैमराज आर नॉट अलाउड, सो आई एम रियली सॉरी दैट वी कैन नॉट शो यू द इनसाइड ऑफ द टेम्पल। The temple features traditional Tibetan architectural elements, including intricate murals, vibrant prayer flags, and a peaceful environment. The interior are adorned with elaborate Buddhist art and scriptures. ये है Tibetan wheel, जिसको clockwise घुमाना पड़ता है और एक मंत्र जाप करना पड़ता है. That is Om Mani Padme Hum. According to Buddhist community, it gives you unbelievable merit. A few moments later. So right now we are heading towards Dalai Hills, जो Buddhist temple से थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा मतलब 2 किलोमीटर ऊपर है। पागल हो क्या? There's only 400 meters. हाँ, yes. मेरी mother-in-law को नीचे एक restaurant पे बिठा के हम दोनों चले ऊपर, क्योंकि ये लगता है बस 400 मीटर ऊपर, लेकिन frankly speaking, it's way too stiff. अगर आपके साथ में कोई भी एजेंट ऊपर आना चाहते हैं, प्लीज अवॉइड, क्योंकि हम लोगों का हालत देखो ये हो गया। इस पूरे रेंज को कहा जाता है हैप्पी वैली और यहाँ की मस्त पैनोरामिक व्यू। परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। इतने ऊपर चढ़ने के बाद व्यू देखो और बुद्ध जी की मूर्ति देखो और ये हसीन वादियाँ एंजॉय करके हम चले वापस अभी दूसरे डेस्टिनेशन। देखो क्या हालत है। See, this is a safe parking zone, though they will be charging you 200 for the parking fees. But yes, it is safe. You can keep your car here, Ania, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जाम लग जाती है। One eternity later. हम अभी कंपनी गार्डन के सामने आ गए, जो हम मैंने आपको बताया, बट हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं भाग रही हूं। यहाँ पे है 50 रुपए टिकट पर हेड। क्या है पता तो है नहीं, ठीक है, बट कुछ है ना, है ठंड है बहुत। कंपनी गार्डन मसूरी मैल से एग्जैक्टली 3 किलोमीटर अवे। यहाँ पे देखने के लिए सच कुछ नहीं है, है तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी एंड चिल्ड्रंस पार्क, एंड यू कैन हैंग आउट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर। और बस यहाँ से निकल के फिर से भीड़ धकेल के हम लोग चल पड़े मैल की तरफ, क्योंकि हमारा जो होटल है वो है मैल के अंदर, एंड मैल में बिफोर 4:30 PM एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको सारा डिटेल्स पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आई बटन पे लिंक है। One eternity later. जी हाँ, तो कार रख के हम लोग वापस चले आए मैल एरिया पे। यहाँ पे मिल गए कुछ नन्हे मुन्ने पप्पीज। और आज का जो हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज गन हिल पॉइंट। तो गन हिल पॉइंट आपको जाना पड़ेगा सीधा मैल एरिया से 500 मीटर ऊपर, जहां से सनसेट की व्यू आता है अमेजिंग।
तो गन हिल पॉइंट पे मैं अकेले ही कर रहा हूँ चढ़ाई, क्योंकि मेरी वाइफ एंड मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ वॉक करके ऊपर आ नहीं सकती। दैट्स व्हाई आई इन्फॉर्म्ड देम नॉट टू कम बाय वॉक, टेक माय मदर इन लॉ बाय रोप वे, दे आर कमिंग बाय केबल कार। सो दिस इज अ अमेजिंग सनसेट व्यू फ्रॉम द वे टू द गन हिल पॉइंट। सी हालांकि द सनसेट हो चुका है अभी, है ना मजेदार। जस्ट सी दिस इज द एंट्री पॉइंट, देयर इज वन चेक पॉइंट, यू हैव टू पे 150 रुपीज फॉर योर व्हीकल एंट्री। सो फाइनली मैं पहुंच गया गन हिल पॉइंट में बाय वॉक। इट वाज ऑल्दो ओनली 500 मीटर्स, बट द यू नो द पाथ वाज वेरी स्टीप, सो इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जीज ऑफ माइंड। But my, as I said, my mother-in-law and my wife is coming by cable car. So this is the view, although the sun is already set. Oof. So this is Shanidev's Mandir, Sri Shanidev Mandir. Kyunki aaj hai Shanivar and we always praise the Saturdays in a holy day. Because my wife is having their family's Shani temple, Mahakali temple. So yes, we really praise Mahakali. So this is the ropeway point. गनहिल पे आके आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एनी यहाँ पे ड्रेसअप की है लोकेशन है, यहाँ पे बच्चों के लिए मिकी माउस है, और यहाँ पे बहुत सारे खेलने के जगह है। एंड इस साइड से चले जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा अभी जहाँ से आपको ये व्यू दिखा है। सो अभी चलता हूँ मैं वॉक करके नीचे की तरफ, मुझे रोपवे नहीं पकड़ना है क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे रोपवे का लगा हुआ है और लंबा लाइन। एंड मेरी वाइफ एंड मदर इन लॉ आ ही नहीं पाए ऊपर, बिकॉज रोपवे का बहुत लंबा लाइन है, 6:30 बजे से पहले कोई नहीं आ पाएगा। लेट्स गेट बैक टू डाउन हिल बाई वॉक। 1:37 later. अब से ले रहे हैं ये लोग। मैं कितने देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, आई थिंक मुझे 15 मिनट हो गया है यहाँ पे खड़े हुए। ये लोग शॉपिंग करे ही जा रहे हैं, यहाँ पे लाइन से लगा हुआ है दुकान और ये लोग लाइन से घूमते हुए आ रहे हैं। सो यहाँ पे अभी ट्राई कर रहे हैं हॉट चॉकलेट, पता नहीं कैसा होगा। लेट्स सी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वन फर्स्ट, इफ यू लाइक इट देन वी विल टेक वन मोर। हम होटल आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं सॉरी, और बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो हम डिनर ही कर रहे हैं। अभी डिनर करके फिर निकलेंगे मॉल में और शॉपिंग करने के लिए। हम सारी मार्च ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग हो चुका है अभी, पता नहीं सर मम्मी का मैडम जी है हमारे, मैडम ये कर रहे हैं सारे शॉपिंग। ये आ गया मशरूम नान एंड तंदूरी रोटी, मिक्स वेज फ्राइड राइस, एंड अभी चल रहे सूप। जैसे कि मेरी वाइफ ने कहा था रात को चलेंगे फिर से शॉपिंग करने, निकल पड़े फिर से। तो ये है मसूरी की नाइट लाइफ। तो आज के लिए था इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।